अस्सलाम वालेकुम अहबाब, उम्मीद है आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। अदर कंट्री से ताल्लुक़ रखने वाले फ्रेंड्स को हेलो और हाय। दोस्तों वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल रंगीन धरती पर। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है काला तीतर और दक्कनी के पट्टे। तो दोस्तों हमने जंगल में शिकार खेलने की गर्ज़ से गए हुए थे। हम वहाँ पर पाड़े वगैरह का शिकार खेलते हैं, हमारे साथ में ही एक छोटा सा जंगल है। तो दोस्तों वहाँ पर हमें एक मुश्किल तीतरों के तीन चार पट्टे नज़र आए। तो हमारे शिकारी भाइयों ने जाल वगैरह बुने तो उनमें से एक पट्टा पकड़ा गया जो आप सामने पिंजरे में देख रहे हैं। तो दोस्तों इसको 8 दिन हो गए हैं, ये अभी डरता है लेकिन कुछ हाथ पर खुराक खा रहा है। ये देखें आप, अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो इसके सर से बाल उखड़ गए हैं। ये डरता है दोस्तों लेकिन हम इसको बना लेंगे, हमें उम्मीद है। अब ये हाथ पर खाना खाता है और बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल खुश भी होता है। लेकिन कभी कभी इसको अपना जो बन जा याद आ जाता है जंगल की तरह, तो उसी तरह ये फिर अपना सर मारने लग जाता है जिसकी वजह से इसके बाल पूरे से उखड़ गए हैं। वैसे ये बिल्कुल खूबसूरत और हल्ला गुला मचाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है। आप दक्कनी छोटे पट्टे बिल्कुल 12-13 दिन के दक्कनी पट्टे हैं उनके साथ इसकी लड़ाई भी देखेंगे, ये कैसे लड़ाई करता है। दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी गुजारिश है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजाज़ ज़रूर फरमाना। तो आपका टाइम ज़ाय किए बगैर चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। जी हाँ, ये देखें फीमेल और दक्कनी के पट्टे आ गए हैं, इस हमारे काले तीतर के साथ लड़ाई कर रहे हैं। ये देखें दोस्तों, ये देखें छोटे बच्चे भी आए हैं। इस थोड़ी देर बाद आप इनको भी देखेंगे, ये भी इसके साथ हल्ला गुल्ला और फुल मौज मस्ती करेंगे। लेकिन गर्मी की वजह से है, दोपहर के 2:30 का वक्त है दोस्तों, हम वीडियो बना रहे हैं। तो हमारी जो ईरानी फीमेल है हमारे पास, ये इसके टांग में धागा भी बंधा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, ये बिल्कुल फुल मस्ती कर रही है। लेकिन ये हमारे पास जो काला तीतर है, ये कोई किसी वक्त उसके फीमेल के साथ लड़ने लग जाता है तो किसी वक्त ये उसके साथ आड़े भी देने लग जाता है। तो आज की दोस्तों वीडियो आगे दिलचस्प होने वाले है, क्योंकि जब दक्कनी के पट्टे इकट्ठे होंगे तो ये इसके साथ फुल हल्ला गुल्ला और फुल मस्ती करेंगे। दोस्तों अभी देख रहे हैं ये इकट्ठे हो रहे हैं, अच्छा खासा इसके साथ मजाक उड़ाएंगे इसके साथ। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर हैं तो जल्द नए हैं तो कर लें सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता, आप ये काम पहले से ही कर लिया करें। दोस्तों आप ये ईरानी पट्टे भी इसके साथ पड़े हुए हैं, कोई दक्कनियाँ है, एक दो पट्टे इसमें ईरानी भी निकाले हुए हैं इसने। तो आप देख रहे हैं सामने हमारा काला तीतर पड़ा है, ये देखें दोस्तों, इसको हमने 8 दिन पहले जंगल से पकड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, ये है भी अच्छी कीमती नस्ल का। दोस्तों हम इसको तैयार कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये इस तरह चक्कर भी लगा तो आपको नज़र नहीं आएगा। इसके बाल भी जो उखड़ गए हैं वो भी दोबारा से नए उगाएंगे। तो ये इसका पूंछ भी टूट गया है दम, यानी कि वो भी दोबारा पैदा हो जाएगी, नई उगाएगी। तो दोस्तों वीडियो बहुत दिलचस्प है। अभी ये ईरानी के पट्टे इकट्ठे हो रहे हैं, दक्कनी के भी, अब इसके साथ फुल हल्ला गुल्ला और लड़ाई करेंगे। आप ये चेक करें, ये देखें कैसे लड़ाई कर रहे हैं। दोस्तों ये देखें ईरानी के पट्टे आ चुके हैं, अब ये इसके साथ फुल हल्ला गुल्ला और फुल मस्ती कर रहे हैं। अब ये देखें, ये मेरा घर का सदा सर साहब है, ये जानवरों की जगह है। ये देखें दोस्तों, मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो है वो मैं दीमक और कीड़ा बनाने के तरीके के मुताबिक पूरी गाइडेड वीडियो तैयार कर रहा हूँ, आपने उसको ज़रूर नोट फरमाना है। छोटे बच्चों का मुकम्मल पालने का तरीका नोट है उसमें, आप वहाँ कीड़े कैसे बना सकते हैं, दीमक यानी सीवी कैसे बना सकते हैं, मुकम्मल उनके तमाम खुराक की वीडियो मैंने बना दी है, वो अभी मैंने 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों आप उसको ज़रूर तवज्जो फरमाएं, ज़रूर उसको चेक करें, मुकम्मल गाइडेड है। और आप उस तरीके पर अमल करके अगर अपने बच्चों को पालते हैं, तकनीक के हैं, ईरानी के हैं, कश्मीरी नस्ल के, जो भी ये गरे तीतर हैं या काले तीतर के पट्टे आपने निकलवाए हुए हैं या आपने कहीं से ख़रीदे हुए हैं, तो उनके पालने का मुकम्मल तरीका और कीड़ा बनाने का तरीका, दीमक यानी सीवी बनाने का तरीका, बिल्कुल तमाम का तमाम मैंने उसमें नचोड़ और पूरा तरीका मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, 1-2 दिन में मेरी वीडियो वो आने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो का टाइम एक्सपायर हो रहा है, तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कहें सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में अपनी राय का ज़रूर फरमाना।
तो आज की वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, आबाद रहिए।